वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसा जबरदस्त नुस्खा लेकर आई हूँ जिसके वन यूज में ही आपको एक चौंका देने वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे आपकी स्किन डैश तो होगी ही, उसके अलावा आपकी स्किन पे जो भी डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, कील, मुहासे की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को भी जरूर दबा दें। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटो। मैंने यहाँ पर एक टमाटो लिया है और एक लिया है क्लीन बाउल। टमाटो को हमें इस तरीके से कट कर लेना है, इस तरीके से, और हमें इसमें आधे टमाटो की ही जरूरत होगी। फिर हमें एक कसने की हेल्प से इसको कस के इसकी एक प्यूरी बना लेनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी टमाटर की प्यूरी बनके एकदम से रेडी हो चुकी है। इसमें हमें 1 टेबल स्पून प्यूरी लेनी है और इसमें हमें ऐड करना है हल्दी। हल्दी हमें 1/2 पिंच करीब हल्दी लेनी है। हल्दी हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा ब्राइट करती है। और इसमें हमें ऐड करना है सैल्ट। सैल्ट हमारे फेस से डेड स्किन को रिमूव करता है। लास्ट में हमको ऐड करना है एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर ये वाला एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश पेड़ का हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इन सबको हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने इसमें जो भी सामान यूज किया है वो एकदम नेचुरल है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपको आपकी किचन में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब मैं बताती हूँ इसे आपको इस्तेमाल कैसे करना है। इस पैक को आपको नहाने से 10 मिनट पहले अपने फेस पे कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है। और इसकी 2 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। इसका प्रयोग आप हफ्ते में 2 बार करें। बिलीव मी गाइस, अगर आप इसका प्रयोग 2 बार करते हैं तो आपको एक चौंका देने वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ब्राइट और ग्लो करने लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप ये वाली रेमेडी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स के द्वारा मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।